नमस्कार, मैं मोनिका और आप देख रहे हैं एनपीयू न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। उधम सिंह नगर जिले के किच्चा क्षेत्र में अपनी मांगों को लेकर पिछले कई माह से आंदोलन कर रहे इंटरलॉक कंपनी के कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने मांगे जल्द पूरी न होने पर 28 जून को किच्चा में मजदूर किसान महापंचायत का आयोजन करने की घोषणा कर दी। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं ने पहुंचने की संभावना जताई है। बता दें, पिछले कई महीने से किच्चा के इंटरलॉक कंपनी के सैकड़ों कर्मचारियों अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। वहीं धरना स्थल पर कर्मचारियों के साथ साथ महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे ने भी कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंटरलॉक कंपनी के आंदोलनरत कर्मचारियों का कहना है कि उत्तराखंड शासन ने 30 मई को इंटरलॉक कंपनी सिडकुल पंतनगर की तालाबंदी को गैर कानूनी घोषित कर दिया था, लेकिन श्रम विभाग व जिला प्रशासन ने कंपनी की तालाबंदी समाप्त कर मजदूरों की कार्यवाही कराने व मजदूरों के पिछले 3 माह के वेतन की वसूली के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। कर्मचारियों ने कहा कि प्रशासन की लापरवाही के चलते 16 मार्च 2022 से तालाबंदी के शिकार करीब 500 कर्मचारियों के बच्चे और घर के अन्य लोग भुखमरी की स्थिति में हैं और बच्चों के स्कूल छूटने की नौबत आ गई है। कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन पर आरोप लगाया कि अप्रैल और मई माह में 36 स्थायी मजदूरों को कंपनी के स्टैंडिंग ऑर्डर का गलत हवाला देकर गैर कानूनी रूप से निलंबित कर दिया गया था, जबकि कथित घटना के समय कर्मचारी ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे और निलंबित किए गए कर्मचारी छुट्टी पर थे। कंपनी कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 27 जून तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 28 जून को किच्चा में मजदूर किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। 28 जून को किच्चा गेट पर, उत्तराखंड उधम सिंह नगर किच्चा गेट पर, इंटरलॉक कंपनी गेट पर हम महापंचायत करने जा रहे हैं और उस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय राकेश टिकैत समेत